आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स का लिस्ट सामने आ चुका है, तो इस वीडियो में हम आपको एक के बाद एक सभी टीमों के रिलीज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट बताएंगे, यानी कि सभी टीमें अपने स्क्वाड से कौन कौन से प्लेयर्स को बाहर कर रही है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो आइए जानते हैं वन बाय वन सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेड विंडो या फिर आईपीएल से रिलेटेड कोई भी ब्रेकिंग न्यूज पूरे इंटरनेट पे सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं वन बाय वन सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स के बारे में। तो पहली टीम है गुजरात टाइटन्स की। ये टीम अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर कर रही है उसमें नाम आता है हार्दिक पांड्या का, जो कि ट्रेड होकर के मुंबई इंडियंस में जाएंगे, इसके बाद यश दयाल और इसके बाद दासुन सना का और प्रदीप सांगवान का। तो इन सभी प्लेयर्स को गुजरात टाइटन्स की मैनेजमेंट अपने स्क्वाड से बाहर कर रही है। वहीं इस लिस्ट में जो दूसरी टीम है वो है लखनऊ सुपर जायंट की टीम, और लखनऊ अपने स्क्वाड से पहले ही दो प्लेयर्स को ट्रेड विंडो में बाहर कर चुकी है, जिसमें नाम आता है रोमारियो सेफर्ड और आवेश खान का, और इसके साथ ही ये टीम अपने स्क्वाड से और जो प्लेयर्स को बाहर करेगी उसमें नाम आता है डेनियल सैम्स का, दीपक हुड्डा का और जयदेव उनादकट का। तो इन सभी प्लेयर्स को लखनऊ सुपर जायंट अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। वहीं इस लिस्ट की अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली कैपिटल्स अपने स्क्वाड से जिन प्लेयर्स को रिलीज कर रही है उसमें पहला नाम आता है मनीष पांडे का, खराब स्ट्राइक रेट के चलते इनको ये लोग रिलीज करेंगे, उसके बाद सरफराज खान, इसके साथ ही नाम आता है इस लिस्ट में प्रियाम गर्ग का, रिपल पटेल, इसके बाद प्रवीण दुबे, मुस्तफिजुर रहमान और कमलेश नागरकोटी का। तो इन सभी प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स अपने स्क्वाड से बाहर कर रही है। वहीं इस लिस्ट की चौथी टीम है पांच बार की चैंपियन बनने वाली, यानी कि मुंबई इंडियंस, और मुंबई अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर कर रही है उसमें नाम आता है पहला सुपर फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर का, इसके बाद क्रिस जॉर्डन, डुआन जेंसन, इसके बाद अरशद खान, हृतिक शौकीन और कैमरन ग्रीन का। तो इन सभी प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस की टीम अपने स्क्वाड से बाहर कर रही है, यानी कि ये सभी प्लेयर अब मुंबई के लिए नहीं खेले। वहीं इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और आरसीबी अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने की बात कर रही है उसमें नाम आता है हर्षल पटेल का, हाई प्राइस मनी के चलते इनको ये टीम रिलीज करेगी, इसके बाद वनिंदु हसरंगा, इनको भी हाई प्राइस मनी के चलते रिलीज करके ऑक्शन में रिबाय किया जाएगा, इसके बाद नाम आता है फिन एलन, रिश टॉपले, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक का। डीके के खराब प्रदर्शन के चलते हो सकता है कि इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि दिनेश कार्तिक का बल्ला इस साल पूरी तरीके से खामोश था। वहीं इस लिस्ट की अगली बड़ी टीम है राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा रही है उसमें पहला नाम आता है कैरेबियन ऑलराउंडर जेसन होल्डर का, खराब परफॉर्मेंस के चलते ये टीम होल्डर को रिलीज करेगी, इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है मुरुगन अश्विन का, इसके बाद केसी करियप्पा, ओवेड मकोय और नवदीप सैनी का। तो इन सभी प्लेयर्स को राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट आईपीएल ऑक्शन से पहले अपने स्क्वाड से रिटेंशन प्रोसेस में रिलीज कर देगी। वहीं इस लिस्ट की अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई ने अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर करने का डिसीजन लिया है उसमें पहला नाम है बेन स्टोक्स का, 16.25 करोड़ के इस बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर को चेन्नई की टीम रिलीज कर रही है, क्योंकि स्टोक्स ने खुद ही बताया कि वो अगले साल आईपीएल में नहीं खेलेंगे। तो इस वजह से स्टोक्स को सीएसके मैनेजमेंट अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा रही है, इसके बाद नाम आता है डोइने प्रिटोरियस, अंबती रायडू और सिसांडा मगाला का। तो इन चारों प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्क्वाड से रिटेंशन प्रोसेस में बाहर कर देगी, यानी कि स्टोक्स जैसा बड़ा प्लेयर भी इस साल चेन्नई की टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टोक्स ने खुद ही डिसाइड किया था कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, और वैसे भी उनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था, तो चेन्नई अगर वो खेलते भी तो भी रिलीज कर देती। वहीं इस लिस्ट की अगली टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की, और सनराइजर्स हैदराबाद जिन बड़े प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाएगी उसमें नाम आता है मयंक अग्रवाल का, इसके बाद हैरी ब्रुक जिनको 13.25 करोड़ में खरीदा गया था, इसके बाद आकिल हुसैन, अब्दुल समद और वॉशिंगटन सुंदर का। तो इन सभी प्लेयर्स को सनराइजर्स हैदराबाद अपने स्क्वाड
से बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आने वाली है। वहीं इस लिस्ट की नवी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और कोलकाता ने अपने स्क्वाड से काफी सारे महंगे प्लेयर्स को बाहर करने का डिसाइड किया, जिसमें पहला नाम आता है लॉकी फर्ग्यूसन का जो कि 10 करोड़ के खिलाड़ी है। इसके बाद नाम आता है टीम सऊदी का, इसके बाद शार्दुल ठाकुर जो कि वो भी 10 करोड़ से ऊपर के प्लेयर है, इसके बाद मनदीप सिंह जिनका प्रदर्शन काफी डाउन था तो इस वजह से इनको बाहर किया जाएगा, इसके बाद जॉनसन चार्ल्स, लिटन दास और एन जगदीशन। तो इन सभी प्लेयर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आने वाली है। वही इस लिस्ट की अंतिम टीम है पंजाब किंग्स की, और पंजाब अपने स्क्वाड से जिन बड़े प्लेयर्स को बाहर करे उसमें पहला नाम आता है सैम करन का जो कि आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे पिछले साल, इसके बाद नाम आता है मैथ्यू शॉट का, इसके बाद राजंगत बाबा जिनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था, और एट द एंड श्रीलंकाई विकेट कीपर भानुका राजपाक्सा को भी पंजाब किंग्स अपने स्क्वाड से बाहर करेगी। तो ये था आईपीएल 2024 के लिए सभी 10 टीमों के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट।